मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्पेस सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एक स्पेसशिप होती है। उस स्पेसशिप में एलियंस होते हैं और उन्हीं में से एक शिरीरी नाम का एलियन होता है। वो अर्थ पर जा रहा होता है, उसके फादर कहते हैं तुम अर्थ पर जा रहे हो, अर्थ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, अगर तुम पकड़े गए तो या तो वो तुम्हें मार देंगे या तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए फादर रूल नंबर 49 याद रखना। सीन सिंचैन के घर पर शिफ्ट होता है। सिंचैन टीवी देख रहा होता है तभी आसमान में शूटिंग स्टार्स देखने को मिलते हैं, इसलिए पूरी नुहारा फैमिली बाहर आकर कुछ ना कुछ विश मांगने लगती है। तभी एक स्टार उनके घर की तरफ आता है और उनके घर से टकरा जाता है। वो लोग डर जाते हैं कि ये सब क्या है। हैरी ऊपर वाले रूम में जाकर देखता है कि घर से क्या टकराया है। सिंचैन भी वहां आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यह वही स्पेसशिप है जिसमें शिरीरी होता है और वो स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। शिरीरी डर की वजह से उनके लिविंग रूम में आकर टीवी के पीछे छिप जाता है। शिरीरी बोलता है मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे। उस पर नुहारा फैमिली बोलती है ये तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। उस पर शिरीरी बोलता है ये लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। तभी सिंचैन अपनी टॉय गन को शिरीरी की तरफ पॉइंट कर देता है और शिरीरी डर के मारे अपनी एक बीम चला देता है जो कि हैरी को लग जाती है और वो बच्चा बन जाता है। वो लोग समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हुआ। शिरीरी उनको बताता है ये मेरी गोगो पावर है, जब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है तब ये पावर अपने आप चल जाती है। वो बोलता है जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो काफी सेफ रहते हैं, इसलिए मेरी पावर ऐसी है जिससे सब बच्चे बन जाते हैं। सिंचैन टीवी चला देता है। टीवी में एक लड़की गन फायर कर रही होती है। शिरीरी बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर से वो बीम अपने आप चल जाती है, पर इस बार बीम मिक्सी को जाकर लगती है और वो बच्ची बन जाती है। इसके बाद सिंचैन उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। शिरीरी उनको अपनी ब्रेसलेट की मदद से एक होलोग्राम में दिखाता है कि तुम पृथ्वी पर रहते हो और मैं नास पैडी प्लेनेट से आया हूँ, लेकिन अचानक से हिमारी उसके ब्रेसलेट को तोड़ देती है और वो अपने फादर से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। शिरीरी बोलता है कोई बात नहीं मैं अपने फादर को खुद ढूंढ लूंगा और वो वहां से जाने लगता है। तभी नुहारा फैमिली बोलती है पहले हमें तो ठीक करके जाओ। वो बोलता है तुम 25 साल में खुद ही ग्रो हो जाओगी। फिर वो वहां से जाने लगता है लेकिन उस पर गेट ही नहीं खुल पाता। बाद में हमें पता चलता है कि शिरीरी के पास बस किसी को बच्चा बनाने की पावर है, न कि किसी को फिर से बड़ा करने की। लेकिन शिरीरी बोलता है मेरे पास ये पावर नहीं है, पर मेरे पापा के पास ये पावर है किसी को फिर से ठीक करने की। इसके बाद उनके बीच डील होती है कि नुहारा फैमिली उसके पापा को ढूंढने में मदद करेगी जिससे दोनों का काम हो जाएगा, वो फिर से ठीक हो जाएंगे और शिरीरी अपने पापा के पास चला जाएगा। इसके बाद शिरीरी अपने डैड की लोकेशन दिखाता है। नुहारा फैमिली डिसाइड करती है हम तुम्हारे पापा को ढूंढने सुबह जाएंगे। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं और शिरीरी अपने स्पेसशिप में सो रहा होता है। तभी दो लोग आते हैं जिनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है। वो उसके ब्रेसलेट को चुरा लेते हैं और दूसरे ब्रेसलेट से एक्सचेंज कर देते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। अगले दिन वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि शिरीरी को कहां छुपाएं क्योंकि वो एक एलियन है। आखिर में शिरीरी सिंचैन के पैंट में छुप जाता है। हैरी सिंचैन को बोलता है कि देखो अगर तुम किसी भी खतरे में हो तो इसे छोड़कर भाग जाना, तुम इसकी किसी भी तरह से मदद मत करना। इसके बाद वो जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि ये बात पूरे शहर में फैल चुकी है कि कल एक UFO क्रैश हुआ है और उसमें एक एलियन आया है। रास्ते में सिंचैन को उसके दोस्त मिल जाते हैं और वो बात करने लगते हैं। सिंचैन की एक पुरानी हरकत की वजह से शिरीरी उसकी पैंट में से बाहर आ जाता है और वहां पर न्यूज रिपोर्टिंग चल रही होती है, इस वजह से वो कैमरे की नजर में आ जाता है और वो वायरल हो जाता है। वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं और एक जगह पर छुपकर हैरी सिंचैन के दोस्तों को पूरी बात बता देता है और वो ये भी बता देता है कि हम बच्चे कैसे बने। हैरी उनसे बोलता है कि ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं और वो वही एलियन वाली न्यूज देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है। इसके बाद पूरी नुहारा फैमिली टिकट खरीद कर ट्रेन में बैठ जाती है। हमको ट्रेन में वही लड़की देखने को मिलती है जिसने ब्रेसलेट एक्सचेंज किया था और वो यहाँ भी उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। नुहारा फैमिली खाना खाने के बाद सो जाती है। तभी वहां पर एक चोर आता है और उन सब का सामान लेकर वहां से भाग जाता है। सिंचैन उसका पीछा करता है पर वो हाथ नहीं आता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस वाला बोलता है तुम तो अभी बच्चे हो, तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करो, वो फंस ना जाए, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। फिर वो एक जगह रुककर लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। तभी एक बंदा उन्हें लिफ्ट दे देता है और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये वही आदमी होता है जो शिरीरी की न्यूज देख रहा था। वो उनसे बोलता है तुम्हें अकेले ऐसे नहीं घूमना चाहिए। वो बोलता है ऐसा करो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम सबको कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने दूंगा और मैं तुमको खाना और कुछ पैसे भी दे दूंगा। इसके बाद उस आदमी का घर दिखाया जाता है जो बाहर से डरावना लग रहा था पर अंदर
अंदर से काफी अच्छा था। वो लोग खाना खाते हैं। कुछ देर क्वांटम रोबोट की मूवी देखने के बाद हैरी हेमावारी को लेकर नहाने चला जाता है। उस रूम में मिक्सी, सिंचैन और उस आदमी के सिवाय और कोई नहीं होता। फिर वो आदमी मिक्सी को अपने बचपन की फोटो दिखाता है। उस फोटो में उसके पीछे एक UFO था। वो बताता है कि मैंने सबको बताया कि ये UFO है, पर मेरी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, तो इसलिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि एलियन असल में होते हैं। फिर वो काफी अजीब बातें करने लग जाता है, जैसे उसे पता हो कि एलियन उन्हीं के साथ हो। मिक्सी ये बात समझ जाती है कि इसे पता चल गया है कि हमारे पास एलियन है, इसलिए वो सिंचैन को लेकर टॉयलेट में चली जाती है, टॉयलेट का बहाना करके। वो दोनों टॉयलेट में होते हैं, तभी मिक्सी को एक रूम दिखता है। मिक्सी जब उस रूम में एंटर करती है, वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें उन लोगों की फोटो लगी हुई थी और उस दीवार पर पूरा प्लान बना हुआ था कि उन लोगों को कैसे पकड़ना है। इसके बाद मिक्सी ने सब कुछ हैरी को बता दिया होता है, पर हैरी बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तभी वो बंदा वहां पर आ जाता है, लेकिन वो जल्दी से गेट बंद कर देते हैं। वो बोलता है मैं तुमको पकड़ कर रहूंगा, मैंने अपना पूरा बचपन एलियन को ढूंढने में लगा दिया है। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, तभी उन्हें एक गाड़ी दिखती है, वो लोग उसमें बैठ जाते हैं। वो बंदा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर हैरी गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा होता है, तभी वो एक दीवार से टकरा जाते हैं। इसकी वजह से सिंचैन और शिरीरी उछलकर एक ट्रक में गिर जाते हैं। इसके बाद सिंचैन अकेले ही शिरीरी के फादर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन सिंचैन इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, इसलिए शिरीरी काफी नाराज हो जाता है और उनका झगड़ा हो जाता है। शिरीरी अकेले ही बॉक्स में छिपकर जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है हैरी और मिक्सी की तरफ। वो उसी बंदे के साथ सिंचैन और शिरीरी को ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है वो बंदा एक अच्छा आदमी है, न कि बुरा। वो तो सिर्फ शिरीरी के साथ एक फोटो लेना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिरीरी को उस बॉक्स के नीचे बहुत दिक्कत हो रही थी, और उसे डर लग रहा होता है कि इंसान मुझे पकड़ ना ले, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलकर एक सर्कस में छिप जाता है। अचानक से उसके पीछे जोकर आ जाता है, जो कि उसको पकड़ लेता है। फिर हमें शिरीरी के बचपन का सीन देखने मिलता है, जहाँ पर उसके प्लैनेट के सभी लोगों के पास पावर होती है, वो सब उसे अच्छी तरह यूज कर पाते हैं, लेकिन शिरीरी उस पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाता, और वो अपने पापा से बोलता है मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करूंगा और इस पावर को पाकर रहूंगा। लेकिन शिरीरी की आंख खुलते ही हमें पता चलता है कि ये सब उसका सपना था, और वो देखता है उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। सर्कस वाले अपने शो के लिए शिरीरी का यूज करने लगते हैं, लेकिन सही समय पर वहां पर सिंचैन आ जाता है उसे बचाने, और वो एक तोप में घुसकर फायर हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों गार्डन में आ जाते हैं, और शिरीरी सिंचैन से कहता है तुम मुझे बचाने क्यों आए, तुम्हारे तो पापा ने कहा था अगर ये एलियन किसी भी मुसीबत में पड़ता है तो तुम उसे छोड़कर वहां से भाग जाना, तुम सबसे पहले अपनी जान बचाना। उस पर सिंचैन कहता है कब, मुझे तो ऐसा याद नहीं। फिर धीरे धीरे शिरीरी को सिंचैन और ये पृथ्वी भी पसंद आने लग जाती है। इसके बाद उन दोनों का ट्रैवल चलता रहता है, किसी ना किसी से लिफ्ट मांगकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर 2-3 दिन बाद सिंचैन अपनी फैमिली से मिल जाता है, और हमें उस बंदे का नाम पता चल जाता है, उसका नाम याओ होता है। वो बोलता है शिरीरी क्या तुम मेरे साथ एक फोटो लोगे, पर तभी पीछे से एक आदमी याओ को एक सुई चुबा देता है। इस वजह से याओ बेहोश हो जाता है, और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने शिरीरी का ब्रेसलेट चुराया था। इसके बाद वो दोनों पूरी नुहारा फैमिली और याओ को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सिंचैन के घर पर, जहां पर उसके दोस्त आए होते हैं। वो को पता होता है कि सिंचैन के घर की चाबी कहां है। वो लोग उस स्पेसशिप में घुस जाते हैं। सीन वापस से नुहारा फैमिली पर शिफ्ट होता है। वो दोनों लोग नुहारा फैमिली को और कहीं नहीं बल्कि शिरीरी के फादर के पास लेकर आए होते हैं, और वहां पर सब शिरीरी के लिए ताले बजाते हैं। शिरीरी के फादर शिरीरी से कहते हैं मैं तुम्हें जब देख रहा था तो ये सोच रहा था कि तुम आधे रास्ते में ही मर जाओगे। फिर शिरीरी बोलता है देख रहे थे पर वो कैसे। तो यहां पर हमें पता चलता है वो लड़की शिरीरी के फादर के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि एक एलियन था। यहां तक कि वो चोर जिसने उनका सामान चुराया था और वो सर्कस वाला जोकर सभी लोग एलियंस थे, और ये सब शिरीरी के फादर ने ही करवाया था। इसके बाद शिरीरी पूछता है आपने ऐसा क्यों किया। उस पर उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी गोगो पावर लेने के लिए, हमने तुम्हारा जो ब्रेसलेट है उसको रिप्लेस कर दिया था जो तुमने पहन रखा है उसके साथ। जो तुमने ब्रेसलेट पहन रखा है उसकी मदद से हम तुम्हारी गोगो पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और अब हमारे पास इतनी एनर्जी हो चुकी है कि हम गोगो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। उसके फादर बोलते हैं मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इंसानों के साथ ट्रेवल कर सकोगे। तभी शिरीरी बोलता है ये लोग अच्छे इंसान हैं, पर वो चिल्लाकर बोलते हैं तुम्हें फादर रूल नंबर 3 याद नहीं है, कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करो। इसके बाद वो बोलते हैं शिरीरी अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, पर वो अर्थ को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसे नुहारा फैमिली अच्छी लगने लगी थी। वो बोलता है मुझे अपना प्रॉमिस याद है, पर वो बोलता है प्लीज आप नुहारा फैमिली को ठीक कर दीजिए, लेकिन वो मना कर देते हैं, और उसकी जो स्पेसशिप होती है वो स्पेस में चली जाती है। उसके फादर बोलते हैं 7 साल पहले हम अर्थ पर आए थे, इसको पीस
पीसफुल बनाने के लिए, लेकिन हमने देखा यहाँ बहुत वायलेंस है। फिर हमने इसकी वजह ढूंढी तो हमें पता चला कि ये सब बड़े लोगों की वजह से हो रहा है। वो बोलता है बच्चे एकदम सेफ और अच्छे होते हैं, इसलिए हमने इस गोगो प्रोजेक्ट पर काम किया। हम गोगो प्रोजेक्ट से सबको बच्चा बना देंगे और मैं उनको शुरू से पढ़ाऊंगा, सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा। पर तभी वो अपनी गन उठाकर याओ पर फायर कर देते हैं और याओ ही बच्चा बन जाता है। लेकिन ये पावर शिरीरी से भी एडवांस लेवल की थी। शिरीरी के फादर के पावर से याओ अपनी याददाश्त खो देता है। इसके बाद वो बोलता है अब अगली बारी किसकी है। तभी शिरीरी बोलता है कि पापा ऐसा मत कीजिए, ये लोग अच्छे इंसान हैं। इस पर उसके फादर फिर से चिल्लाकर बोलते हैं तुम्हें पता नहीं, इंसान एक छोटे लाइफ फॉर्म होते हैं, इनको हमें ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद वो मिक्सी पर फायर कर देता है और मिक्सी भी अपनी याददाश्त खो बैठती है। हैरी बोलता है तुम मुझे मार दो या बच्चा बना दो, पर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। शिरीरी के फादर बोलते हैं ठीक है, फिर अगला नंबर तुम्हारा ही ले लेते हैं। और जैसे ही वो गन का ट्रिगर दबाते हैं वो काम ही नहीं करता। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं शिरीरी ने गन का प्लग ही निकाल दिया होता है। इस पर उसके फादर बहुत गुस्से में शिरीरी को कहते हैं ये क्या कर रहे हो, उस प्लग को वापस लगाओ। पर वो अपने फादर की बात नहीं मानता, वो बोलता है सिंचन यहाँ से भाग जाओ। उसके डैड उस पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं तुम्हें फादर रूल नंबर 1 याद नहीं है क्या, जो भी मैं बोलता हूँ वह करेक्ट है और वो ही तुम्हें मानना होगा। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और सिंचन को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो भागता नहीं है और वो बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो ये पूपू प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। इस पर शिरीरी के डैड चिल्लाकर बोलते हैं पूपू प्रोजेक्ट नहीं गोगो प्रोजेक्ट। और तभी अचानक से उसकी गन उसके पैर पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग जाते हैं। फिर वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो देखते हैं गोगो पावर यहां से शूट की जाएगी जिसकी वजह से सब बच्चे बन जाएंगे। सिंचन बोलता है हम इस पूपू प्रोजेक्ट को रोक कर रहेंगे। इस पर हैरी बोलता है ये इतना आसान नहीं है, हम सब इस वक्त बच्चे बने हुए हैं और हम सब स्पेस में किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती। इसके बाद शिरीरी के ब्रेसलेट पर कुछ सिग्नल्स आते हैं और हमें पता चलता है कि सिंचन के दोस्त शिरीरी के स्पेसशिप में बैठे हैं और उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शिरीरी अपने ब्रेसलेट की मदद से उन पर कॉल करता है और सिंचन बोलता है कजामा जल्दी से हमें बचाने आओ। फिर कजाम बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते। सिंचन कजामा को मोटिवेट करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। फिर कजामा में भी हिम्मत आ जाती है और फाइनली वो स्पेसशिप को उड़ाकर ले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि गोगो प्रोजेक्ट को कैसे रोका जाए। तभी हैरी बोलता है हम अगर उस लिक्विड को खिला दें जो उन्होंने ह्यूमन गोगो प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट किया है तभी प्रोजेक्ट रुक सकता है, लेकिन इसके बाद हम बड़े कैसे होंगे, इसके बारे में वो सोचने लगती है। तभी शिरीरी बोलता है मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से मेरे पापा तुम सबको बड़ा कर देंगे। वो बोलता है पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। हैरी बोलता है कुछ भी हो पर तुम प्लान बताओ। दूसरी तरफ सब एलियंस को ये पता चल जाता है कि सिंचन के दोस्त स्पेसशिप लेकर आ रहे हैं। वो गोगो पावर उन पर फायर करना शुरू कर देते हैं। तभी नुहारा फैमिली वहां पर आ जाती है और वो लड़ाई करने लग जाते हैं। शिरीरी अपने फादर से बात करने लग जाता है, उनको अपनी बातों में उलझा कर रखता है, यही उनका प्लान होता है। तभी सिंचन पीछे से उन पर हमला कर देता है और गन उनके हाथ से नीचे छूट जाती है। तभी हैरी उस गन को कैच कर लेता है। इसके बाद शिरीरी के डैड बोलते हैं अगर तुम मुझे बच्चा बना दोगे तो तुम्हें ठीक कौन करेगा। तभी हैरी बोलता है हम तुम पर ये यूज नहीं करने वाले। हैरी वहां पर जो और एलियंस होते हैं उन सभी पर गन को फायर कर देता है और सभी बच्चे बन जाते हैं। सब लोग मस्ती करने लग जाते हैं। शिरीरी का डैड काफी तंग हो जाता है और आखिर में इतना तंग हो जाने के बाद वो अपनी पावर का यूज कर ही देता है और वो सभी को बड़ा कर देता है। अब उस लिक्विड को गिराने स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हैरी उसको हिला भी नहीं पाता। पर सही समय पर सिंचन के दोस्त आ जाते हैं स्पेसशिप लेकर, जिसकी वजह से वो लिक्विड गिर जाता है और जिस स्पेसशिप में वो सब बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से अर्थ की ओर गिरने लगता है। तभी शिरीरी का डैड दूसरी स्पेसशिप में बैठकर जाने लगता है और वो शिरीरी से कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, पर वो मना कर देता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। नुहारा फैमिली और सिंचन के दोस्त शिरीरी के स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर चले जाते हैं और एंड में नुहारा फैमिली के बीच पर खड़े होते हैं और वो शिरीरी से कहते हैं तुम हमारे साथ और रुकना चाहो तो रुक सकते हो, और वो उन्हीं के साथ रुक जाता है। इसके बाद हम एंड में देखते हैं कि वो काफी खुशी से नुहारा फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा होता है, काफी टाइम वो उनके साथ रहता है। लेकिन एंडिंग सीन में हमें देखने मिलता है कि एक और स्पेसशिप उनके घर से टकराती है और उस स्पेसशिप में से निकलती है शिरीरी की मॉम, जो कि शिरीरी को वहां से लेकर चली जाती है। आई होप कि आप सबको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।